सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन को, जिससे आप हमारे वीडियो से संबंधित जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड के यूट्यूब चैनल में। मैं विक्रम सिंह तोमर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, आज 23 दिसंबर को 3 से 5 बजे की शिफ्ट में जो परीक्षा हुई थी, उसके कुछ क्वेश्चन लेके आपके लिए आया हूं। आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें और मित्रों कॉपी और पेन लेकर बैठें। जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं उनको आप नोट कर लें। जिनका पेपर है आने वाले दिनों में, उनके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने वीडियो भी देखते रहें, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बराबर और उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मित्रों आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत में पंचायती राज सबसे पहले कब लागू हुआ? तो मित्रों यह हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है कहाँ लागू हुआ? तो मित्रों बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा। यदि आपको मालूम नहीं है तो आप नोट कर लें, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में सबसे पहले प्रारंभ हुआ पंचायती राज। पहला राज्य राजस्थान था लागू करने वाला, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, बैजू बावरा संगीत के किस क्षेत्र संबंधित हैं? तो मित्र बैजू बावरा संगीत के गायन के क्षेत्र संबंधित है, ध्रुपद गायक थे ये। अगला प्रश्न, इन्फोसिस के किन सीईओ ने हाल ही में त्यागपत्र दिया है? तो इसका उत्तर मित्र विशाल सिक्का, विशाल सिक्का सीईओ थे इन्फोसिस के, उन्होंने त्यागपत्र दिया है, कोई पारिख करके इनकी जगह बने हैं। अगला प्रश्न है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो मित्रों ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है अजंता एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न है, गुफाएं आप सब याद रखें, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, बाघ की गुफाएं धार में हैं, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में हैं। इस प्रकार के प्रश्न कई पूछे हैं, आप इनको ध्यान रखें। भीम बैठिका की गुफाएं रायसेन में हैं, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछ सकता है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, कपिलधारा कहाँ है? तो मित्रों कपिलधारा अमरकंटक में है, कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा दुग्धधारा सहस्रधारा ये सभी नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, शौचालय बनाने के लिए कितनी राशि दी जाती है? तो मित्रों इसका उत्तर है 12,000 रुपये, शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का संबंध मध्य प्रदेश से है? तो मित्रों इसमें जो ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन दिए थे उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी वैसे भी एकमात्र व्यक्ति है जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है, ग्वालियर के रहने वाले थे ये हैं। अगला प्रश्न, बैजू बावरा संगीत के किस क्षेत्र संबंधित हैं? गायन ध्रुपद गायक से ही क्वेश्चन रिपीट हो गया मित्रों, क्षमा चाहूंगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ग्रैमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो मित्रों इसमें मुझे जानकारी नहीं मिल पाई कि ये राष्ट्रीय पूछा या अंतर्राष्ट्रीय, पर ए आर रहमान, जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर और भी कुछ लोग हैं जिन्हें दिया गया है, जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा उसके अनुसार से आपको उत्तर लिखना है। आप सभी ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त विजेताओं की सूची याद कर लें। अगला प्रश्न, विदिशा में अठखंबा मंदिर कहाँ है? तो मित्रों इसका उत्तर है ग्यारसपुर, विदिशा के ग्यारसपुर में अठखंबा मंदिर है। अगला प्रश्न, मुगल गर्मियों की छुट्टियाँ बताने कहाँ आते थे? तो मित्रों ये आते थे मांडू में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में कितने युवा कौशल विकास में सम्मिलित हुए? तो मित्रों इसका आंसर कुछ 30-31 लाख के लगभग है, पर ये मुझे एक्यूरेट नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं लिखा है कि वर्ष 2017 में कितने युवा कौशल विकास में सम्मिलित हुए, इसका डाटा नहीं मिल पाया मुझे। नेट पर भी मैंने सर्च करने की कोशिश की थी, लगभग 30-31 लाख कुछ शायद आंसर है, आप इसको सर्च करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसे संबोधित करके स्पीच दी जाती है? तो इसका उत्तर है मित्रों लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करके स्पीच या अपना भाषण या अपने जो भी बोलना हो बोला जाता है। अगला प्रश्न, भारत में रबर का उत्पादन कहाँ होता है? तो मित्रों इसमें कहाँ होता है, या तो राज्य दिया होगा, उन राज्यों में से 3 राज्यों में नहीं होता होगा और 1 राज्य में होता होगा, या तो केरल तमिलनाडु कुछ हो सकता है। और यदि पूछा जाएगा सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये मित्रों होता है केरल में। मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? इसमें भी सेम कंडीशन है मित्रों, वैसे अफीम का एकमात्र उत्पादक जिला मंदसौर कहा जाता है, मंदसौर से अलग होने के बाद कुछ हद तक नीमच में भी अफीम होती है, बाकी मंदसौर को अफीम उत्पादक जिला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो मित्रों इसकी भी जानकारी अलग अलग, कहीं 23,006 मिलती है, कहीं 23,040 मिलती है, परंतु 23,006 ग्राम पंचायतें हैं, यदि ये ऑप्शन में था तो ये आंसर हमको लगाना होगा। अगला प्रश्न मित्रों, मुगल गर्मियों की छुट्टियां बताने कहाँ आते थे? फिर से रिपीट हो गया है गलती से, ये मांडू में आते थे। अगला प्रश्न, किन संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका का गठन किया गया था?
तो मित्रों ये किया गया था 74वां संविधान संशोधन, 1992 में आया था ये और 1993 में ये लागू हुआ 74वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों का गठन किया गया, 73 के अंतर्गत पंचायतों का गठन किया गया, जबकि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं का गठन किया गया। अगला प्रश्न मित्रों, फसल बीमा योजना कब लागू की गई? तो मित्रों इसका आंसर है 13 जनवरी 2016 को फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इससे संबंधित सभी जानकारियां आप ध्यान रखें। जैसे इसमें खरीफ की फसल में 1.5%, रबी की फसल में 2% और अन्य बागवानी फसलों में 5% प्रीमियम किस्त ली जाती है, ये भी पूछा जा सकता है। और भी कई जानकारियाँ हैं जो आप पढ़ लें इसको। अगला, कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? तो मित्रों ये काली मिट्टी में या रेगुड़ मिट्टी में, काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, बेसाल्ट चट्टानों से प्राप्त होती है ये, कि मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र में पाई जाती है ज़्यादातर मात्रा में, तो काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। कपास से याद रखें मित्रों, कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में खंडवा और खरगोन में, इन्हें सुनहरी जिले बोलते हैं सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन करने वाले, और इनमें सबसे ज़्यादा कपास मध्य प्रदेश में होता है खरगोन में। तो मित्रों याद रखें, सबसे ज़्यादा कपास मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो मित्रों इसमें जो ऑप्शन दिए होंगे उसके अनुसार हमको लगाना पड़ेगा। इसमें बिहार ऑप्शन दिया था, जैसे मुझे जानकारी है जो मुझे बताया गया है, बिहार में कोई सीमा नहीं लगती है, तो बिहार की सीमा नहीं लगती है। बाकी उत्तर प्रदेश था, शायद उत्तर प्रदेश की लगती है, छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। और भी सवाई मानसिंह की समाधि कहाँ है? तो मित्रों ये भी कन्फर्म नहीं मुझे, शायद जयपुर से संबंध है इनका, और सवाई माधोपुर में भी हो सकती है इनकी समाधि, वैसे इसका आंसर जयपुर होना चाहिए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मित्रों ये आप जानते होंगे, अगर अपने मध्य प्रदेश की अच्छे से तैयारी की है तो उसमें काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर। और सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है मध्य प्रदेश में? तो उज्जैन में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका गठन किया गया? तो मित्रों 74वां, ये प्रश्न भी रिपीट हो गया है गलती से। अगला प्रश्न, वर्ष 1901 में भारत में स्थापित एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है? तो मित्रों वर्ष 1901 में भारत में स्थापित सबसे पुरानी रिफाइनरी है डिगबोई असम, ये भारत की पहली रिफाइनरी है और एशिया की भी सबसे पुरानी, एशिया की भी पहली रिफाइनरी है। 1901 में इसका गठन हुआ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा इसका गठन किया गया, याद रखेंगे आप अगर कभी ऐसा आता है, एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी डिगबोई में जो थी उसको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सी शर्करा होती है? तो मित्रों दूध में लैक्टोज शर्करा होती है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? देखिए मित्रों दूध में शर्करा जो पूछा गया ये पहले भी पूछ चुका है, आप ध्यान रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? तो ये मित्रों 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ, याद रखेंगे आप, बहुत प्रसिद्ध घटना है, इतिहास की प्रसिद्ध घटनाओं को जरूर एक बार आप पढ़ लें। सवाई मानसिंह की समाधि कहाँ है? मित्रों माफ़ी चाहूँगा फिर रिपीट है, एमएस एक्सेल में टाइटल बार के ठीक नीचे क्या होता है? तो मित्रों एमएस एक्सेल में टाइटल बार के ठीक नीचे मेन्यू बार होता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट कौन सी होती है? तो मित्रों कंप्यूटर की सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट बिट होती है। तो उम्मीद है मित्रों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मित्रों, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, मैं प्रयास करूँगा कि कुछ, चूँकि फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन इसमें मिक्स हो गए थे थोड़े से, हालांकि ज़्यादातर सेकंड शिफ्ट के हैं, इस कारण से ये प्रॉब्लम आई होगी, और उम्मीद है कि आप समझेंगे मेरी मजबूरी को, कुछ समस्या हो मैं आगे से ध्यान रखूँगा। और हमारे वीडियो को लाइक करते रहें आप, सब्सक्राइब करते रहें मित्रों, धन्यवाद।